तो सुदामा कहता है कि भाई यारी के घर तो बहुत दूर होते हैं, कृष्ण तो में कोई यारी नहीं। नहीं भाई भाई मन मन में सोचता जा सकता, बुरी बुरी सुदामा बारा कृष्ण के बारे में बकता जा रहा है। न्यू बोले रे यारी के घर दूर बताए, अरे यार कहूं भाई तमड़ी तलक गई को बता मैं दिया तारक ने यारी के घर। चार चलिया आया अरे लोन देर में कुछ ना बोले बोलिए के प्यार चलिया आया भेज दिया था तेरी बावज ने रैलू मेरे यार चलिया आया अनजन की पैसो जाओ बस दे दिए लगते दुनिया कहे भगवान तने मेरी भेद बताना पाया भाई करा जाता तेरी बावज पुछे मारी खतर के आया चले पछे मने भेद गणा दिल समझाया अरे जबुआ खाली पल्ला देखे कदे देने लाग चला काल तूड़ी तलके कई को न्यानु हे पता मैं दिया काल तने यारी के घर नशे में पागल हो जा तन निर्धन का न ध्यान करया
अरे डूब गई वहां मेरी मिसरानी मुए सैम विरान करया जिंदगी भरती सुनू नाना रह सोतने आतर मान करया अपनी तो मैं कहना पाया अपनी तो मैं कहना पाया गेरे प्रेम चमड़ी सड़के कहीं को नुहे पता मैं दिया गाड़ी के घरे लगा समाती ओ मारी हर सपना है देख तमाशा झूठा रसाना कोई जगत में अपना है भाई दुर्बल हुआ शरीर रंज फिकर में सपना है देख लिया दुनिया का धंधा जान लिया एक सपना है जगन्नाथ मत रे फिक्र करे जगन्नाथ मत रे फिक्र करे ले सतगुरु आप संभाल थोड़ी सड़के कई को जानू है पता मैं दिया चाल तने यारी से करे इस प्रकार से बुरी बुरी कहता सुदामा जा रहा था जंगल में से कृष्ण ने सोची भाई ये जो लगता अभी तो उल्टा चला गया करते ही तो यो भी आसान ही मान्यो जागो ये भी ले लेना चाहिए तो कृष्ण की माया फ्री चार बिल्ला ने जंगल में देख लियो बड़ो शेठ जा से भाई इतना सोना सोना लगता पर दागन धन माल भी अच्छे हो बार के फिर क्या बोले धन दे धन बोले तेरा ससुर धनी हो तो मैं धक्का क्यों खाऊं आई हाँ धन कोई काट जोड़ो तो हंडन लाग रहे उसको वो एक चौधरी साहब की नजदीक समझाना पड़ा कर तो जा तेरा श्याम पुराला फिरोजी पत्थर को ब्याह रखा चौधरी साहब एक दिन समझाना चले गए तो फरसी पूछो खीर परोसती खीर खा के चौधरी पूछने लगे समझण ने बोले चौधरी न्यू बता या खीर आज बार त्योहार तो किमे को ने क्या की बनाई न बोले जी महाराज द्वादश ने भी खीर बनाया करा बोले द्वादश कद कद आओ से बोले महीना में एक बार आओ सर हम खीर बनाओ आओ दो बार है चंदन की ने बनाई थी तो के काम करा चौधरी साहब ने पल्ले गांठ मार ली या द्वादश दिन भी उरे खीर खाना से घर ना आके श्यामी पंडित जी को घर थो नहीं बोले पंडित जी द्वादश हो दिन तड़की तड़की बता दिया करे पंडित जी बोले ठीक से द्वादश हो जाते पंडित जी बता दे चौधरी साहब तो फरजा राम राम करे और वह जितनी खीर हो उन्हें खा के तरनाटा तो सो है दो छोरा चौधरी करे चौधरी घर आलो सरोग सिदार गयो तो तीनों पुरानी छोरा का कान गड्डा सा जो खड़ा हो गया बोले माँ यो मार लो मोसो से ने यो ब्यांत भैंसाड़ो का नाम लिख दियो लागे गयो हमारा खीर को एक सपड़ को नहीं थाने दिया हम देखे मट्टी करते हैं न तो ये खीर बचा के इधर आते बोले ना भाई रिश्तेदारी से मई की सोचूंगी खीर ने सांझ काल बनावांगा दोपहर आगे सूखा टिकट गाल दे अपन वो कुदरती तानिशी सदी पंडित जी की तो गांव चले गए द्वादश बतानी भूल गयो चौधरी अपनो हल जोड़ खेत में चले गयो दो फरसी को पंडित जी खेता मां का लंग टांगी आओ चौधरी दिखो जो याद आई तेरी को द्वादश थीर बतानी भूल गया ने बोले चौधरी साहब माफ कर दिए तो 12 बजे खड़ा साज का तो द्वादश थी आज ने बोले कोई बात को नहीं पड़ तू ले जा घर ने बांध दिए मारे चौधरी ने उठे लांगड़ समाई और समझाना का ने डाक ठोकी अच्छो अंधेरो है अगर तो पहले दिन छिप जाता क्योंकि इसी लाइट वाइट तो है कौन करती चौधरी साहब जो ही वह खीर सांझ काल बन के तैयार हुई चौधरी साहब ने दरवाजे पीट दिए बोले समझन राम राम दोनों छोरा कड़ा हो गया लाल होगी मारो मोसो खीर पाड़ गोनिया यो तो बुझा कड़बी सान क्यों कर बेर बाटे आज चीज खीर सांझ गाड़ बनेगी
समझण ने दोनों छोरा भितर बैठा दिया, बेटा इपी रोड़ो मत गा लियो, रिश्तेदारी मामलों से मैं सलटूंगी। चौधरी साहब पसीनाम तर बतर मट्टी भरे पड़े क्यों अड़बाव थो, जो बीती हवेली थी छात पहुंचू ची मंडेर ले जाके पानी धर दियो, चौधरी साहब नहा लियो, मैं इतने खीर परोसू। चौधरी जाके ऊपर नहान लागो, चौधरी ने सारा लत्ता काट के मंडेरी पर धर दिया छज्जा खानी, चौधर ने सूझ की आड़ जाके पैडर मंडेरी छज्जा खाना धोके सारा लत्ता नीचे धार ले ना आगे। चौधरी लत्ता ढूंढा एक पावन, चौधरी बोली जी खीर छिड़ी हो सा आ जाओ, बोले चौधरी लत्ता ही को पाऊन। चौधरी बोले तेन उलट में दीवो लिया, बोले दीवो तो मत लिया, छह फुट को काड़ो भूत नहायो तो हो खड़ो, एक लत्तो को ऊपर थी वो ऊपर ने लेके चौधरी चढ़ लागी, वो नाटर हुआ ऊपर ने जा। चौधरी पिछवाड़ा ने सरके हवेली के गैल ने कुमारा का ताजा आवा था, राख के में गिंडक लोटे था, ऊपर ने दीवो दिखियो चौधरी गम दे गए डाक मार गयो, धूल में पड़ो धूल पाटी गिंडक गांव का सारा गैल हो लिया जने बेरन के बहरू को उतार से। काम था बार चौधरी दो ही मिनट में काट दियो, चौधरी सोची बली खीर खाई आईंदा फिर नहीं आओ भाई, पर जब दिल निकला तो पहली घर ने नहीं पूछा तो अगला काम का गिंडक भी नहीं गल पड़ेगा। वही हालत में डाकम डाक डाकम डाक चारे बजे घर ने पूछ गयो, जाके कुआड़ खड़खड़ाया, ए पुडली की माँ सड़ दे कुआड़ खोल बेटिया बाप की, नुबले बेरो ने कठे आंडी जा छोरी दीवो चाश कुआड़ खोलना, नुबले राण राण दे दीवा गल लोड़ा दूरा ती हाजी। तो सुदामो कह लागे धन को गालियो तुम रात गालियो तेरा धन कितने से मेरे तुरे लत्ता तार लिया सारा, न्यू बोले पर तू कहने काम आऊंगा सुरा, ये तो सुना सही तो तार लियो। वो एक वह एक चादर लपेटती किसी ओड के आए तो सुदामो उठा उठो करके गलवा दियो, चलता हुआ सुदामा और जब वापिस द्वार वापिस द्राविड़ में जाता है, वापिस जब द्राविड़ पहुंचा और जब वो अपने जहां पर उसकी छाइन थी उठे गया देखा दे तगड़ी सात मंजिल की हवेली खड़ी, सुदामा सोची तू राह भूल गयो बैठा, पर देखा यो फुलाना गरियो डिगड़ा गरिया रात हो इसर जमीन भी उड़ी थी, पर वह छाइन गई तो गई कि फुरमटी हवेली में जोर की से भाई ऊपर ने देख लग गयो तो मंजिल में ऊपर देखी मिश्राणी तेर लिवा चढ़ रही, ऊपर दो चार लाग रही बाड़ानों का बनाना हार श्रृंगार करो बूढ़ी आने भी कुंड ले गयो भाई जगह पत कब्जो कही करी लियो यहाँ भी गल ले गई, बोले तू तो आ जाए और जमानो तो साथ को देना तू तो मेरे साथ दे। जब मिश्राणी ने देखियो सुदामो नीचे खड़े हो जाए, वो बोले महाराज ऊपर आ जाओ घर तारो ही सह, बोले मेरे सड़ो मेरी ओड हवेली की था कि भाई, तो क्या कहती है मिश्राणी रणदीप सिंह तो सुनियो भी आखिरी लागनी थोड़ी